हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं एक्सेल के होम मेन्यू को कवर करूंगा। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा आईडी है sabeel.ahmed.370। ओके, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब के। हम यहाँ पर देखेंगे होम मेनू के बारे में। पहले यहाँ पर हम क्लिपबोर्ड को डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे हो फॉन्ट ऑप्शन को, इसके बाद अलाइनमेंट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, और नंबर ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे, स्टाइल को भी, सेल को भी, और एडिटिंग को। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पर इसका इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फाइल आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंतर्गत यहाँ पर इंफॉर्मेशन होता है, कुछ जो हम ओपन करना चाहते हैं उनको देख सकते हैं क्लिक करके। और यहाँ पे ऑप्शन है कि न्यू। न्यू से क्या होता है कि नया पेज ओपन होता है। अगर आपको जितना ओपन करना हो नया पेज, वो आप कर सकते हो। उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एम, और ये ओपन है। ओपन का अर्थ ये होता है कि एग्जिस्टिंग फाइल को आप ओपन करके अपना यूज़ कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, देख सकते हो। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ओ, और यहाँ पे है ये ऑप्शन सेव। इसे कहते हैं हम लोग कोई नया फाइल बना लिया, उसको हमें सेव करना हो तो हम कंट्रोल एस का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे है सेव एज। सेव एज का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई फाइल बनी हुई हो, उसका कोई दूसरा नाम देना हो, या उसको अलग फॉर्मेट में हमें सेव करना हो, तो हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है F12, और नीचे यहाँ पर है प्रिंट। देखो यहाँ से जब आपको प्रिंट कर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना हो ना, एक्सेल का जो सीट होगा प्रिंट करना हो, तो आप प्रिंट का इस्तेमाल करते हो। और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पी। देखो जब भी प्रिंट करना हो ना, तो आप प्रिंट प्रीव्यू जरूर किया करो। इससे क्या होगा कि आपको पूरा सीट मिल जाएगी, आपका कितना डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका प्रॉपर्टीज दिख जाता है पूरा पूरा। तो कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं और हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमको सेटिंग भी कर सकते हैं प्रिंट का। देखो अगर आपको प्रिंट करना है जितना भी कॉपी, तो यहाँ पे आप कॉपी का इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करते हो कि कौन सा प्रिंटर आपके पास है जुड़ा। और यहाँ पे जो सेटिंग करना चाहते हो कि कितना आप वर्कबुक चाहते हो, उसका सेलेक्शन टाइटल चाहते हो, तो ये सब यहाँ पे नॉर्मल मॉर्जिन चाहते हो, तो वो सब कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, लेटर यानी जो आपका पेज साइज़ है। तो हम लोग जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं पेपर A4 का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे देखो मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है शेयर। शेयर में क्या करना है, आपने कोई काम कर लिया एक्सेल पे, इसको मेल के थ्रू कहीं पे शेयर करना, तो आप कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। तो एक्सपोर्ट का क्या हो जाएगा, आपको आपका एक्सेल फाइल आपको XPS में फॉर्मेट में सेव करना हो, या PDF में सेव करना हो। देखो PDF में हम क्यों सेव करते हैं, अगर हमारे पास कोई एक्सेल का फॉर्मेट है और हम कहीं भेजना चाहते हैं किसी मेल के थ्रू, तो होता क्या है कि हम जो जिस लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, वहाँ हो सकता है कि उनके कंप्यूटर में, नेक्स्ट वाले कंप्यूटर में लैंग्वेज चेंज हो जाए। तो वहाँ लैंग्वेज के बैरियर्स की वजह से और फॉर्मेटिंग चेंज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मेट हम रेडी करते हैं उसको हम PDF में कन्वर्ट कर देते हैं। तो PDF में कन्वर्ट करके ही आप मेल किया करिए, तो ये आपके लिए थोड़ा बेस्ट रहेगा, ठीक है, समझने के लिए भी। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लोज। क्लोज से क्या होता है, ये जो करेंट विंडो चल रहा है यहाँ पर, ये क्लोज हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ चले जाओ, इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl W। और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है अकाउंट। अकाउंट में जो आपका ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होगा, उसे आप लॉगिन करके आप कलरफुल थीम का यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत बेस्ट फीचर्स यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन, ऑप्शन का अर्थ हो जाएगा एक्सेल का जो ऑप्शन हमें बाहर दिखते हैं डिस्प्ले होकर के, वो तो दिखते ही हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ये कॉपी कट पेज फाइल फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में। हमारे पास ये ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ डेटा को टाइप करते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लेते हैं, सीरियल नंबर, और ये हमने लिख दिया एम्प्लॉय नेम, इसमें हमने दे दिया सैलरी। देखो इसको पहले आप क्या करो कि इसको सेलेक्ट कर लो, और जितने एरिया पे काम करना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास टेबल, हम इसको टेबल में ऐड कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे हमें पास हमें नंबर शीट दे देते हैं 2, 3, 4, 5 जितना रहेगा। यहाँ
यहाँ पे नाम है एम्प्लॉयज के, राकेश सैलिन का दे दिया, एक फॉर्मेट हमारे पास है केवल बेसिकली। अब देखो यहाँ पे कॉपी पेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये सैलरी है तो आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हो, लेकिन आपको कॉपी का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हो इसका सेम फॉर्मेट। मान लो ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे चाहिए तो इसको सेलेक्ट करो, ये देखो कॉपी ऑप्शन है, कॉपी करो और इसको यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए इसके हाल लोगों जब क्वेश्चन पूछा करता है ना एग्जाम में, तो पूछा करता है कि जब हम कॉपी करते हैं किसी डेटा को तो वो किस पार्ट में चला जाता है, तो जान लो वो क्लिप बोर्ड पार्ट में जाता है, ठीक है। अब ये पेस्ट के माध्यम से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ओके अब देखो ध्यान से, यहाँ पर होता है इसका शॉर्टकट ही कंट्रोल सी होता है और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे लिखा है कट, कट का अर्थ क्या होता है, कट फॉर मूव कह सकते हैं हम। यहाँ पर कोई डेटा यहाँ पर है, इस चीज़ को हम यहाँ पे ना दिखा करके हम चाहते हैं कहीं यहाँ नीचे दिखाना, साइड में दिखाना कहीं भी, तो उस चीज़ को हम कहीं मूव भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर, सेलेक्ट किया इतने एरिया को, यहाँ पे कट ऑप्शन होगा, कट पे क्लिक कर दो। अब आपको ये चीज़ें यहाँ पे चाहिए, नीचे क्लिक किया, ये देखो पेस्ट ऑप्शन है, वो डेटा क्या होगा यहाँ से हट करके यहाँ पर जम कर जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो तो यहाँ पे हम फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था एक्सेल के मैक्रो में कैसे उसको हम फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने बताया था अटेंडेंस रजिस्टर बनाना। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और चलिए मैं दिखाता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसको आप सेलेक्ट करो, मान लो यहाँ पर आपको चाहते हो एक फॉर्मेट में बना लो दिया संडे, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने दे दिया इसका डेट 1 2 3, जो भी आपको देना वो आप दे दो। नॉर्मली हमारे पास ये है डेट, यहाँ पे हम इसको फिल सीरीज करेंगे, नंबर आ जाएंगे। देखो संडे जो हमारे पास है ना, इसको आप रेड कलर से ऐड कर लो और इसको देखो एलो पॉइंट्स जो हमारे पास नंबर होंगे इनको आप एलो पॉइंट से कलर कर लो। अब देखो इस चीज़ को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल कर दो। जितने भी संडे है ना, संडे को आप हाईलाइट करना चाहते हो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। करना क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करो और इसको अप्लाई करते जाओ, ठीक है। तो फिर समझ लो हमें करना क्या होता है, जब भी किसी भी एरिया को कॉपी करना होता है, जैसे कि एज इट इज़, यहाँ पे ये डेटा एज इट इज़ है, इसको मैं चेंज कर दूँ फॉर्मेट, इसको मैंने कह दिया रेड और मैं इसको कलर चेंज करता हूँ ये वाला कोई एक सिंपल सा। अब मैं यही फॉर्मेट हर जगह चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करो और एज इट इज़ आप अप्लाई कर सकते हो। इसको जो हम हेडिंग बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे अगर मान लो ये हेडिंग हमारे पास है, इसको हमने बोल्ड करके रखा है, ठीक है, एज इट इज़, इसको तो हम बड़ा भी कर लेते हैं। और इसको हम क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना, मैं दिखा देता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करो, ये कॉपी करता है फॉर्मेट को, केवल कलर को फॉर्मेट करता है, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता है। इसको सेलेक्ट करो, देखो इस पर जो हेडिंग था, फॉर्मेटिंग था, वो इस पर अप्लाई हो चुका। ओके अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है हमें फॉन्ट, फॉन्ट को हम डिस्कस करेंगे। देखो हमें सेलेक्ट करना है डेटा को, फॉर्मेट चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है, इसको हम तीन नाम से जानते हैं, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट स्टाइल। सो यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मेट जो आप लेना चाहते हो वो आप ले करके देख लो यहाँ पर। और जो नीचे का फॉर्मेट है, इसको आप डिफरेंट टाइप में देना चाहते हो, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर आपको ये देखो फॉर्मेट चेंज हो गया। इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करो, ये मेरे पास डेटा है कुछ, देखो बी फॉर बोल्ड होता है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी और इसको बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन है आई,
आपको क्लिक करिए, क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा डायगोनली फॉर्म में आ जाएगा। और क्योंकि होता है टेक्स्ट को हम थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन या डिस्क्लेमर दिखाना चाहते हो या डिक्लेरेशन देना चाहते हो, तो उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+I। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक हेडिंग देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने दिया प्रैक्टिस। सॉरी, इसके पहले हम यहाँ पर कुछ काम कर लेते हैं। सेलेक्ट किया एरिया, यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास मर्ज सेंटर, तो ये पूरा पूरा कॉलम एंड रो मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रैक्टिस, उसको हमने सेलेक्ट किया। और इसको हम देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ये बड़ा करने के लिए, इंक्रीज फॉन्ट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट, छोटा करना। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इसको फॉन्ट को हम छोटा कर सकते हैं। एक्सेल का जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट मान होता है साइज का, वो 11 होता है, और मिनिमम कितना होता है 8 होता है, और मैक्सिमम 72। लेकिन अगर आप इससे बड़ा करना चाहो ग्रुप फॉन्ट से, तो आप इसको कहते हैं इंक्रीज फॉन्ट, आप इससे जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। ये पूरी आपके पास फैसिलिटी है, जितना बॉक्स होगा उस बॉक्स के अकॉर्डिंग आपका काम होगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है अंडरलाइन, अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक नीचे इसके साथ अंडरलाइन मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको डबल लाइन देना चाहते हो तो आप डबल लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद इसको, इस एरिया को देखो, सेलेक्ट करो डेटा को हमारे पास, इस पर हम समझेंगे। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है बॉर्डर, क्लिक करेंगे अलग अलग बॉर्डर मिलेगा, लेफ्ट राइट साइड, और अगर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो क्लिक करो। होता क्या है कि ये जो बॉर्डर में दिख रहा है ना कॉलम रो वैसे, ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि कॉलम रो तो वैसे वैसे भी है, तो फिर बॉर्डर हम क्यों दें। तो बॉर्डर इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कैसा आ रहा है। Ctrl+F2 किया मैंने प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए, Ctrl+F2। ये देखो यहाँ पे जो डेटा है ना, ये विदाउट कॉलम है, यहाँ मैंने कॉलम ऑलरेडी दिया था, कॉलम रो बॉर्डर, तो यहाँ पे शो कर रहा है और ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो हमें करना क्या होता है, इसको इस एरिया को हमें सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास है ऑल बॉर्डर, सो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन में दिख रहेंगे कि लाइन कलर, सो आप लाइन कलर देना चाहते हो तो आप लाइन कलर भी ऐड कर सकते हो। देखो इसमें जैसे आपको एक कलर और चाहिए, जैसे देखो अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे लाइन कर दो, आपको इसमें चाहिए लाइन, इसमें चाहिए, किसी भी एरिया को हाईलाइट कर सकते हो, कोई शीट बना रहे हो तो यहाँ पर आप हेयर ले सकते हो। इसके बाद देखो ये लिखा है इरेज बॉर्डर, सो आप इस पर क्लिक करके इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ इसको अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल कर सकते हो। तो ये हम पूरा बॉर्डर के इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा हमें बॉर्डर का स्टाइल, तो लाइन का हमें जो स्टाइल देना चाहते हैं तो ये को यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, इसको अलग फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं इसको ऐसे सेलेक्ट करो, ये देखो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक में दिखता है, ठीक है। हम अक्सर इसका यूज़ करते हैं हेडर बनाने के लिए, इसको देखो अलग से करना है तो आप क्लिक कर दो, जो कि बॉर्डर में आ गया, तो यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करते हैं ना बॉर्डर का, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। इसको हम डबल क्लिक करके लॉक कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोर बॉर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन और है फॉर्मेट से, इसको मैं आगे बताऊँगा। अब देखो ये यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसे कहते हैं फिल कलर, फिल कलर पे क्लिक करेंगे, ये पूरा जो एरिया होता है उस एरिया को ये कलरफुल कर देता है। अगर हमें हेडिंग बनाना हो तो हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर, तो ऐसे भी यूज़ कर लो, इस तरह से ये कलरफुल हो जाएगा। इसके बाद इसे कहते हैं हम लोग फॉन्ट कलर, जो टेक्स्ट का कलर होता है ना वो यहाँ से चेंज होता है, आप इसको चेंज करना चाहो। देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे कलर हैं, आप इनका इस्तेमाल कर लेना, इसको सेलेक्ट करो, इनमें से कोई भी कलर चाहिए तो आप इनको यूज़ करो ऐसे यहाँ से कोई भी, ठीक है, जो भी कलर आपका सूटेबल हो वो यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अब अलाइनमेंट की बात करेंगे हम। अलाइनमेंट क्या करता है, टेक्स्ट का रोटेशन चेंज करता है, लेफ्ट राइट साइड अपर मिडल एंड इसको फिट करता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको बोलते हैं हम लोग टॉप अलाइन, जिसे पढ़ते हैं ना वो टेक्स्ट अलाइन, लेफ्ट राइट सेंटर मिडल, वो वाला यहाँ पर ऑप्शन पड़ा है। इसको पहले इसको देख लो, इसको कहते हैं हम लोग टेक्स्ट लेफ्ट, यदि लेफ्ट लिखना हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे,
इस पर क्लिक करो टेक्स्ट पे और लेफ्ट क्लिक करो, ये लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कर देगा। मिडल से करना चाहते हो तो मिडल का इस्तेमाल कर लो, और इसका राइट से इस्तेमाल करना चाहो तो राइट से भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर ये इतना बड़ा बॉक्स है, बड़ा बॉक्स में ये सबसे डाउन पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर हाईलाइट होगा। देखो एक चीज़ है कि यहाँ पर देख लिया करो कि जो ऑप्शन हाईलाइट होगा वो समझ सकते हो कि वो अप्लीकेबल है सीट पर उस एरिया में। इसको क्लिक करो और यहाँ पर ऑप्शन दिखा है मिडल, मिडल पर क्लिक करना, ये मिडल चला जाएगा। और इसको अपर में दिखाना चाहते हो तो टॉप अलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया यहाँ पर ऑप्शन अलाइनमेंट का। इसके बाद देखो अगर आप सीट बना रहे हो कोई अटेंडेंस चार्ट का तो या कोई सैलरी चार्ट का, तो इनमें कुछ डेट वगैरह लगाना चाहते हो, टाइम लगाना चाहते हो तो हम ओरिएंटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये फॉर्मेट की जो एक कहते हैं ना खूबसूरती बढ़ जाती है, तो हम इनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे प्रेस करो और ये देख सकते हो आप, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया और ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा तो इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसे कॉलम पे ले जाएंगे ना, इसके हीडर, इसको बोलते हैं हम हीडर, हीडर पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। डबल क्लिक करो, इस तरह से आप देख सकते हो, डबल क्लिक करो माउस का लेफ्ट क्लिक डबल, ये ऑटोमेटिक सब डेटा सेट कर लेगा। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसे यूज होता है ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन की हम बात करें, ओरिएंटेशन को आप चेंज करना चाहते हो, देखो ये नीचे वाला डेटा, तो यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे लेफ्ट राइट अलग अलग टाइप में दिखा हुआ, आप क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पर बारी बारी, ये अलग डिफरेंट टाइप में दिखेगा लोग। बस कंडीशन ये कि पहले डेटा को आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद इनका हम इस्तेमाल करो और फॉर्मेट सेल पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिग्रीज, तो जो टेक्स्ट का जो डिग्रीज होता है, रोटेशन होता है, वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखो इसको डायगोनल फॉर्म में कर सकते हो, ऐसे क्लिक करो, ये अलग लुक में दिखेगा। तो ओरिएंटेशन का हम यूज़ ऐसे भी करते हैं। इसको हम रोटेशन चेंज करना चाहें 0 डिग्री, तो आप 0 डिग्री पे क्लिक करके, देखो 1 डिग्री है, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लो और यहाँ पे ओके कर दो, ये नॉर्मल फॉर्मेट पे आ जाएगा। इसके बाद ये इंक्रीज इंडेंट क्या है वो देखते हैं, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर देखना क्या होता है। इसे ये लेफ्ट मूवमेंट राइट मूवमेंट आप करा सकते हो, टेक्स्ट को सेट कर सकते हो इसका एरिया। इसके बाद इसे कहते हैं हम रैप टैक्स। रैप टैक्स क्या करता है, जैसे कोई वर्ड आपके पास, मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है ठीक है, और ऊपर आपने काम भी किया, तो हो सकता है कि जो काम है और नीचे जो आप नाम लिख रहे हो वो नाम बड़ा हो, उसके इसमें इसको छोटा बड़ा करोगे तो ऊपर का फॉर्मेट खराब हो जाएगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस एरिया को ना जो नाम होता है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, ये एरिया ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। तो जो इसमें लिखना है मुझे राकेश कुमार सिंह, ठीक है, अब ये देखो अब ये फॉर्मेट ऊपर का खराब नहीं होगा, ये उसी ब्लॉक में उसको सेट कर देगा। एक बार फिर से देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, लिखा अरुण धती रॉय, अब ये देखो ये क्या हुआ, एक ब्लॉक से अलग ब्लॉक में चला गया। जिसको आप रैप टेक्स्ट इस्तेमाल करोगे ना, दो टेक्स्ट को क्या करता है वो आपस में मर्ज कर देगा दो लाइनों को। देखो ये इस तरह से आप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हो, हालांकि इससे भी आप कर सकते हो यहाँ पे छोटा बड़ा, लेकिन इसे इसे करने पे क्या होगा कि ऊपर का फॉर्मेट खराब हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो रैप टेक्स्ट का यूज़ दो टेक्स्ट लाइन को मर्ज करना। इसके बाद यहाँ पर है मर्ज एंड सेंटर, सो इसको क्लिक करो। देखो हेडिंग बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, या कोई फॉर्मेट रेडी करना हो, कोई स्लिप रेडी करना हो तो हम इनका भी इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मान लो यहाँ पे मुझे एक स्लिप बनानी हो, इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखो ये एरिया हमारे पास है, सेलेक्ट करने के बाद देखो उसको मर्ज कर दो, ये पूरा एरिया ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रिंट लाइन दिख रहा होगा, एक मिनट मैं इसको अपने स्लिप दिखाता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद इसको करो क्या, ये को यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, सो क्लिक करो, पूरा कॉलम और रो आपस में मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखोगे ना तो वो नीचे जाएगा तुरंत, देखो यहाँ पर द सुपर हाउस, अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसको इसको आप ऊपर ले जाना चाहो तो यहाँ पे ऊपर कर सकते हो ये ऑप्शन, इसको तो आप फॉर्मेट करना चाहो
इसको स्टाइल दे सकते हो, कोई स्पेशली भी बना सकते हो आप, जैसे वो इंस्टॉलमेंट सिर्फ देते हैं ना कोचिंग वगैरह में, तो वो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी इसमें बना सकते हो, वो मैं डिस्कस करूँगा आगे। देखो अब ये जो हो जाएगा, इसके बाद एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर मर्ज एक क्रॉस। मर्ज एक क्रॉस से क्या होता है, जितने इसमें कॉलम वाले लाइन होते हैं कॉलम वाले लाइन को हटा सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको अगर कोई डिस्क्लेमर लिखना हो या डिक्लेरेशन लिखना हो तो इनका आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसलिए कि पूरा यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं मिलेगा आपको, जैसे लिखते हो डिक्लेरेशन में ना, यहाँ लिख दिया डिक्लेरेशन, जब आप रेज्यूम वगैरह बनाते हो या फॉर्म वॉर्म भरते हो तो वहाँ पे डिक्लेरेशन होता है ना कि आई हैव डिक्लेयर, ठीक है, डिक्लेयर अबाउट इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐसे लिखते हो, तो आप इसको पूरा कंटेंट को लिख सकते हो, ये पूरी आपके पास फैसिलिटी है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है उसको देख लो, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑप्शन है मर्ज सेल, तो उसको पूरा ब्लैंक कर दिया, सेम वही कंडीशन होगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा मर्ज एंड सेंटर, क्लिक करो, ये दोनों ऑप्शन आप देख सकते हो सेम सेम। इसके बाद नीचे ऑप्शन होगा अनमर्ज, अगर इस ब्लॉक को आप चाहते हो कि ये अनमर्ज रहे इतना, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमारे पास अनमर्ज, इसको क्लिक करो, इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन कंप्लीट हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में और डिस्कस करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करो, ये देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलेगा अलाइनमेंट सेटिंग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल प्लस वन, वन प्रेस करना, उससे क्या आएगा एक डायलॉग बॉक्स आएगा फॉर्मेट सेल जिसे कहते हैं, या आप यहाँ पे क्लिक करो ये ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना वो मैं दिखाता हूँ आपको, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है पिछले वाले सेशन में, तो मैं इसको दिखा सकता हूँ कि कैसे करना है इसका यूज। चलो अब मान लो ये कोई मेरे पास फॉर्मेट है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कोई फॉर्मेट, मैं नीचे आ जाता हूँ, कोई डेटा एंट्री का फॉर्म बना रहे हो और या कोई स्लिप में कोई वर्ड लिखने आपको बड़े बड़े थोड़े, या कोई स्लिप में जैसे कह सकते हो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने काम ले लिया, उस पर कितना मटेरियल लगा, ये सब आपको बहुत सारी एंट्री करनी है, उस केस में आपके पास बहुत से फॉर्मेट बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे करना क्या है, डेटा को स्ट्रिंग फिट कर सकते हो और मर्ज कर सकते हो। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने कैंडिडेट कैंडिडेट नेम और लिखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नेम, इसे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेंडर प्राइस, और यहाँ पे लिख सकते हो बैंक नेम, यहाँ लिख दिया हमने आईएफएससी कोड, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेमेंट। देखो मान लो आप एक ऑथोराइज तरीके से आप कोई काम कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, उस केस में कोई टेंडर निकला, वहाँ पे अगर कॉन्ट्रेक्टर लोग आते हैं तो उनके लिए आप क्या करोगे, उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क। मैं सेलेक्ट किया, इसको हम तो फॉर्मेट कर लेते हैं जैसा कि ये हेडिंग जैसा है। इसके बाद देखो यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, तो यहाँ पे जब नाम लिखोगे तो होगा क्या, लेकिन इससे पहले हम लोग इस्तेमाल और करेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर यहाँ पे ऐसे लिख करके देखो, सीरियल नंबर को ऐड करने का कई तरीका है, आप अपना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करो, ऐसे ड्रैग कर दो, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको फिल सीरीज, सो फिल सीरीज पे क्लिक करो और ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट चेंज जाएगा। एक और तरीका देख लो, कंट्रोल बटन को प्रेस कर लो और लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग कर दो, इससे क्या होगा कंटिन्यू वेब में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कैंडिडेट नेम, और यहाँ पर एक और चीज़ आप प्रेस कर सकते हो ऐड कॉलम और रो, सो यहाँ पे एक और काम कर लो एड्रेस, और नेक्स्ट में कर दो मोबाइल नंबर। इस फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम फॉर्मेट दे देते हैं ढंग से, इसको हम थोड़ा सेलेक्ट किया हमने एरिया को,
देखो ये बॉर्डर में आ गया, लेकिन मैं फॉर्मेटिंग चेंज किया था इसलिए ऐसा बॉर्डर आया है, आपको पता होगा। अब देखो हमने लिख दिया यहाँ पर विजय शंकर चौहान, तो ये वर्ड बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, होता क्या कि इनमें काफ़ी बड़े बड़े वर्ड लिखने होंगे, उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है अलाइनमेंट, क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेटिंग टू फिट, तो डेटा होगा क्या आपके डाटा कितना हो बड़ा हो वो ऑटोमेटिक उसमें फिट हो जाएगा। अब कॉन्टेक्ट नेम है, मान लो इनको मिल गया है टेंडर, एक मिला इनको कि प्लेटफॉर्म इंस्टॉल का, मतलब प्लेटफॉर्म पे दुकानों के लिए इनको इंस्टॉल में वो मिल गया टेंडर। टेंडर प्राइस है इनका 1 करोड़, और बैंक नेम हमने दे दिया कि बैंक नेम उनको डिपॉजिट करना होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब देखो ये क्या होगा, जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे ना ऑटोमेटिक डेटा इंक्लूड हो जाएगा सही से, तो ये फॉर्मेट खराब भी नहीं होगा, इसको बड़ा करके देख भी सकते हो, ठीक है टेंशन नहीं है। या तरीका एक और, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर एड्रेस बार में भी देख सकते हो, इसको बोलते हम लोग फार्मूला बार। अब यहाँ पे देखो आईएफएससी कोड है बैंक का, मान लो आपने लिख दिया बैंक का महाराष्ट्र का, तो लिख दिया यहाँ पे MIBA000, कोई भी एक नंबर हो सकता है। और पेमेंट की बात हो रही है तो इन्होंने फिलहाल कितना पेमेंट किया है उसको हम बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल इन्होंने दे दिया कि 50 लाख रुपए, तो इन्होंने दे दिया 50 लाख रुपए। अब देखो यहाँ पे एड्रेस की बात हो रही है, वो बंदा कहाँ का है विशेष शंकर, यहाँ पे एड्रेस देना चाहते हो उसका एड्रेस आप दे सकते हो। तो एड्रेस देने के लिए क्या करोगे आप, लेकिन यहाँ पे प्लॉट नंबर, देखो एड्रेस बड़ा भी हो सकता है, प्लॉट नंबर 22 सिवान आरा डिस्ट्रिक्ट पटना, ये यहाँ का है। अब देखो इतना बड़ा वर्ड है ना, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मोबाइल नंबर की बात हो रही है तो मोबाइल नंबर ऐड कर लो, इस तरीके से हम कॉन्टेक्ट बेस पे भी वर्क करके बता सकते हैं। यानी ये कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे इसका पूरा पूरा यूज़ कर लेंगे। देखो एक और चीज़ छूट गया यहाँ पर हमारे पास, हम राइट बटन क्लिक करेंगे, और राइट बटन क्लिक करने के बाद एक और हम काम कर लेते हैं, इंसर्ट क्लिक करेंगे, एक कॉलम चाहिए हमें किस लिए, अकाउंट नंबर के लिए। सो हमने क्लिक किया, हमने दीजिए अकाउंट नंबर। देखो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने फॉर्मेट यहाँ पे नहीं किया था, फॉर्मेटिंग नीचे से थी हमारी। अब देखो अकाउंट नंबर 16 अंक का है, तो आप 16 अंक देना है यहाँ पर। देखो ऐसा क्या होगा, कुछ फॉर्मेट चेंज होगा, तो डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम 16 अंक लिखेंगे ये इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा जनरल फॉर्मेट, तो ये जनरल फॉर्मेट में ही चेंज होगा। आपको कुछ थोड़ा अजीब टाइप लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ प्लस टाइप ऐसा ई प्लस, देखो फॉर्मेट आपने सही लिखा है, आपका जो रेटिंग है वो सही है, एक्चुअली ये जो रीड करता है अपने अकॉर्डिंग रीड करता है। तो इसको हमें क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नंबर, नंबर पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये चेंज कर देगा फॉर्मेट, ठीक है इसका टेंशन नहीं है। कभी भी आप जैसे आप डेट का इस्तेमाल कर रहे हो, टाइम का इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ पे यूज़ कर लिया और उसका फॉर्मेट रॉन्ग आ गया, तो यहाँ पे उसको क्लिक करके इस पर सेट आप कर सकते हो। उसको टाइम ऑप्शन मान लो मेरे पास यहाँ पर, मेरे पास कॉन्टेक्ट बेस का काम हो गया, तो इसको हम एक फार्मूले के तहत यहाँ पर लगाते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं नाउ एंटर किया। देखो ये आ गया, अगर बता रहा है कि 10:39, 18:11:18 आज से है तो वो बता रहा है, सो छोटा करो जो कैसा आ रहा है ये फॉर्मेट। तो कभी जब ऐसा एरर आए तो समझ लेना इसको जो इसका कॉलम का साइज है, कॉलम के साइज को आप रीसाइज कर लेना। देखो ऐसे बढ़ा लो इसका वेट, जैसे बढ़ाओगे ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है ये कोई एरर नहीं है।
इसके बाद अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहो, देखो ये फॉर्मेट है, यहाँ पे एक और फार्मूला हमारे पास होता है इज इक्वल टू करके टू डे, टू डेज क्या आता है करेंट डेट, इंटर करो देखो ये आगे डेट, इसको हम दूसरे ब्लॉक में दिखा देते हैं आपको। देखो इसका फॉर्मेट मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, देखो लिखा डेट, अगर लॉन्ग डेट में कर दूँ ना देखो क्या फॉर्मेट आएगा, ये फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, अब देखो ध्यान से यहाँ पर होगा क्या, हम यूज़ करेंगे नंबर के बाद, जनरल यूज हो गया नंबर, करेंसी के बारे में, तो करेंसी का यूज़ करना होना तो अब यहाँ पे इजी कल टू करो, ऐसे डॉलर का सिंबल लगाना हो किसी भी अमाउंट में तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो लिखो डॉलर ब्रैकेट 100 लिखा, देखो कन्वर्ट नहीं करता ये, केवल उस इसको सिंबल में ऐड करता है, या देखो यहाँ पे सिंबल आ गया डॉलर का। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं 50 लिख दूँ यहाँ पर और इसको मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ मैं, उसको कहते हैं करेंसी, क्लिक करो तो ऐसे भी ये ऐड हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर ऑप्शन और देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो ये ऑप्शन आपको करेंसी का दिखाएगा, आपको यूरो में चेंज करना है, चेंज मतलब क्या उसका जो सिंबल है वो चेंज होगा, अमाउंट नहीं चेंज होता है, तो क्लिक करके आप येन लगा सकते हो, इन डॉलर लगा सकते हो, फ्रेंच लगा सकते हो, अगर आपको रुपए लगाना हो तो रुपए के सिंबल के लिए आप मोर का इस्तेमाल करोगे, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ अभी जस्ट। इसके बाद देखो ध्यान से यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी, जैसे मैं लिखता हूँ 100 और 100 लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन लिखा 100%, इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे इसमें डेसिमल पॉइंट लगा सकते हो और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को जोड़ सकते हो, देखो यहाँ पर इसका डिक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा, जितना चाहो उसको ऐड कर सकते हो। इसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंटिंग है, जिस पे डॉलर का सिंबल ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, टाइम का और परसेंटेज की बात हो रही है, तो परसेंटेज को भी हम देखेंगे और फ्रैक्शन को भी निकाल के हम देखेंगे। फ्रैक्शन पर एक मेरा अलग से वीडियो होगा, उस पर अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कि इसका कैसे यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, जैसे ये डॉलर है, डॉलर के जगह आप कुछ और चाहते हो तो मोर ऑप्शन में चले जाना, देखो लिखा है मोर नंबर फॉर्मेट, सो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आपको सब फॉर्मेट दिख रहे होंगे नंबर के, यहाँ पे आपको दिखेंगे सब फॉर्मेट, करेंसी, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक जो भी होंगे, डेसिमल पॉइंट्स, टैक्स होंगे, स्पेशल होंगे, उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है हमारे पास करेंसी, सो करेंसी पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सिंबल, आप कौन से आते हो अमेरिकन, कजाक का, जो भी लेना चाहते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन, आपको चाहिए इंडियन रुपीस, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इंडियन रुपीस है का, नाइजीरिया का दिख रहा है, आईबीओ का, फ्रेंच, इटालियन, ग्रीक, स्पेनिश, गुजराती, देखो ये रहा हमारे पास हिंदी, हिंदी में कौन सा, ये वो अलग अलग दिखता है गुजराती कन्नड़ के लिए, तो हमें हिंदी यूज़ करना है, ओके करेंगे। ये फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वो फॉर्मेट आ चुका, सॉरी एक मिनट लिख लेते हैं, हम इसको फिर से लिखते हैं, तो अमाउंट हमने क्लिक किया, तो चेक करते हैं हम बारी से कि क्या इस पर चेंज हो रहा है कि नहीं, और दोबारा क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास सिंबल है, सिंबल को भी चेंज करना पड़ेगा हमें, जो अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं यहाँ पर, हमें यूज़ करना हिंदी वाला, उनकड़ी, ओके करो, देखो ये आ गया। इसके साथ होता है क्या कि जैसे आपको मान लो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, जैसे मैंने लिया क्वांटिटी क्यू टी वाई क्वांटिटी दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने आइटम और सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्राइस, इसके पहले मैं लिखता हूँ आइटम नेम। मान लो यहाँ पे कोई आइटम है, आइटम में जैसे क्या लिख देते हो यहाँ पे कि
कोई सामान जैसे टी शर्ट, टी शर्ट दे दिया, इसका क्वांटिटी है 2 पीस और प्राइस का कितना है, प्राइस हमने दे दिया पर पीसेज है 600 रुपये। इसका टोटल प्राइस कितना आएगा अमाउंट वो देख लेते हैं। देखो अमाउंट को निकालने का तरीका क्या है, इज इक्वल टू करो और प्राइस पे क्लिक करो, मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, एंटर करो, वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ देखना चाहते हो कि ये प्राइस है, इस पर रुपये का अमाउंट रहे, तो इससे वो कैसे क्या करोगे देखो, यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए आपको क्लिक करना होगा और आप वहाँ अकाउंटिंग में चले जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंटिंग वाला फीचर, यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करो इंडियन रुपीस। यहाँ पे हिंदी दिख रहा है, क्लिक करके ओके कर दो, वो चेंज हो जाएगा। देखो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि पर पीसेस कितना आया, और इसको दिखाना चाहते हो कि रुपये में है तो रुपये में ऐड कर लो, और सॉरी यहाँ पे डॉलर डॉलर दिख रहा है, हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए अकाउंटिंग वापस जाएंगे, ये यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा रुपए, तो हम यहाँ पे रुपए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा स्पेनिश, बेंगलो, गुजराती, हिंदी, सो देखो हिंदी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने, ओके करेंगे जैसे वो दिख जाएगा। इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट में दिखा भी सकते हो। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या 2 पीस, तो पीस भी दिखाना चाहिए, लेकिन जब हम इसको यूज़ करेंगे ना तो एक प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कस्टम का इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पर हमें लिखना होगा पीसेस, तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या हो पाएगा। देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पीस नहीं लिखना होगा, हमें 4 फॉर्मेट ऐड करने होंगे, तो वो मैं दिखाता हूँ क्या फॉर्मेट होता है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, हमें डबल 4 टाइम का जीरो चाहिए, यहाँ पे बारी बारी हम चेक कर लेंगे, कस्टम पे जाएंगे हम, जब इसको हम हटा देते हैं, जब हमने किया 00, उसके बाद हमने लिख दिया पीसेस, ये रॉन्ग आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, लिखा था हमने टी शर्ट, क्वांटिटी लिखा था, प्राइस लिखा था, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसमें लिखा 2 पीस, ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जब भी हम लिखते हैं, जैसे लिखा मैंने 2 पीस, अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि अगर ये 500 रुपये के हिसाब से, और इज इक्वल टू करके आप जो कोट लगाते हो कि इसको क्लिक किया, मल्टीप्लाई कर देते हो इसको, तो क्या होता है वैल्यू आता है, यानी रॉन्ग, क्योंकि ये टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाता। सो इसके लिए करना क्या होता है, एक काम करना होता है, देखो जहाँ पे आपको चाहिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लो नंबर के साथ टेक्स्ट, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर चले जाओ मोर ऑप्शन, तो यहाँ पर लिख रहा है कस्टम, कस्टम पर क्लिक करना, क्या कर रहे देखो, तो जनरल ऑप्शन दिख रहा है ना, ये जनरल पर क्लिक करना और इसको हटा दो, यहाँ पे से लिखना 0 डबल कोटेड, और लिख दो यहाँ पे पीस चाहिए, केजी चाहिए, पैकेट चाहिए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो डबल कोटेड के अंदर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे चाहिए पीसेस, डबल कोटेड क्लोज करो, हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल में पीसेस, ओके करेंगे, एक मिनट इसको सॉरी यहाँ पे लॉग भी करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे ना, ऑटोमेटिक अगर 2 पीस दिया हमने, ऑटोमेटिक 2 लिखेंगे आ जाएगा। प्राइस की बात कर रहे हैं हम, प्राइस हमने दे दिया यहाँ पर 650 रुपये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये रीड कर सकता है, इज इक्वल टू करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटर किया मैंने, देखो ये आ गया रेट टोटल, इसको हम ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करने के बाद जैसे मान लो टी शर्ट हो गया, अब आपके पास जीन्स है, ठीक है, आपने जीन्स दे दिया और का जो 10 पीस खरीद रहे हो, जैसे लिखोगे पूरा पूरा रेट आ जाएगा, यहाँ पर 10 पीस लिखा, ऑटोमेटिक पीस वाला करेक्टर आ गया। अब यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है,
तो प्राइस आप जो देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। मान लो 1200 रुपये तो आपका अमाउंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इस कस्टम का। तो कस्टम में बहुत सी सेटिंग होती है, वो मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, और यहाँ पे मैं कुछ और भी आगे बताऊँगा कैसे वर्किंग टाइम निकालते हैं, तो वर्किंग टाइम को भी चेंज किया जाता है, मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट देखते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया नंबर के बारे में। तो मैं आपको अब नेक्स्ट बताऊंगा कि कैसे हम स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं सीट में। तो स्टाइल को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मेट कैसा, मान लो यहाँ पे मेरे पास कुछ आइटम है और मैंने आइटम बना लिया यहाँ पर ऐसे ऐड करके, जैसे मैंने दे दिया फ्रॉक, और हमने दे दिया ये 12 पीस है, रेट हमने लगा दिया 700 रुपये, वो आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो अमाउंट है ना, क्लिक करो यहाँ पे कंडीशनल। देखो कंडीशन का अर्थ क्या होता है, शर्त। यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, मतलब क्या इफ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन करते हैं ना कि यदि ऐसा अगर हुआ तो फिर आप सभी लोग काम करोगे, तो उसको हम चेक कर लेते हैं, क्लिक करेंगे। देखो इसमें कुछ अलग अलग टाइप के मिलेंगे। पहला होगा हाईलाइट सेल रूल्स। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, क्लिक करो। अब यहाँ पे जानना चाहते हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन, तो आप यहाँ पर लिख करके भी हाईलाइट कर सकते हो, या ओके करके यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। हाईलाइट करने का तरीका क्या है वो मैं दिखाता हूँ। देखो पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ टेबल ऐड करता हूँ, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10। देखो इसको करना क्या है, एक बार सेलेक्ट कर लो एरिया को और यहाँ पर ड्रैग कर दो इसको। ड्रैग हो जाएगा तो डेटा आपके पास आ जाएगा, इसको आप पूरा पूरा सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप चेक कर सकते हो कि कौन सा इसमें से हाईलाइट है, ग्रेटर देन करके देख लो। जैसे मान लो कि सबसे बड़ी संख्या कितनी, तो वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। नंबर आप खुद दोगे, जैसे आपने दे दिया कि 40 से बड़ी संख्या जितनी भी हो, 40 से वो हाईलाइट हो जाए। देखो यहाँ पर लिखा हो लाइट रेडेड, तो आपको ये लाइट रेडेड दिख रहा होगा, हाईलाइट वाला कलर। तो इस पर क्लिक करो, अगर चेंज करना चाहो देखो कलर चेंज हो जाएगा, यानी कुछ डिफरेंट दिखेगा उससे। तो आप इस तरीके से अपना इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें। ओके कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे डिफरेंट है, यानी सबसे बड़ी संख्या है, 40 से बड़ी संख्या। इसके बाद सेलेक्ट करो, यहाँ पे हाईलाइट पे वापस जाओ। लेस देन की बात हो रही है तो आप कहते हो कि पूरी सीट से, या देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें आपका सैलरी हो सकता है, पेमेंट चार्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा डेटा जिसमें आपका नंबर फॉर्मेट में होगा। ये सबसे कम सबसे ज़्यादा फाइंड करना, उसको हाईलाइट करना, यानी बहुत से अलग अलग रेंज में आएगा, उसको भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास मैंने टेबल बनाया था ना, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर 1 दे दिया, बीच में कुछ मैं चेंज करता हूँ, 5, 6, 2, 3, ऐसे मैंने कुछ नंबर दे दिया। अब देखो ध्यान से सेलेक्ट करो, इनमें से जो जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएंगी। लेस देन करो, हमने ये दे दिया कि 10 से छोटी संख्या जितनी वो दिख जाए। अब देखो ध्यान से, 10 ही संख्याएं जो जितनी भी छोटी होंगी, जहाँ जहाँ भी होंगी, वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होंगे। इस तरह से होता है क्या कि हमें बारी बारी सेलेक्ट करना पड़ता है कि मान लो किसकी सैलरी कितनी है, किसका अटेंडेंस सबसे कम है। तो इनके केस में हम क्या करते हैं, आसानी से हम इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम ओके करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा, तो जेड करके हम वापस आते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे बिटवीन की बात हो रही है, तो देखो सबसे छोटी संख्या है, इससे कोई एक नंबर डिसाइड किया गया है कि मान लो 15 से छोटी संख्या है और 30 से बड़ी संख्या जितनी हो, इनके बीच की संख्याएं जो हाईलाइट हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग पूरा पूरा मैटर को ऐड करके दिखा सकते हैं। देखो अलग लुक देखेगा, ओके कर दोगे अप्लाई हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, वापस आते हैं। देखो क्लिक किया फिर दोबारा, मैंने यहाँ पे इक्वल टू की बात हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप कोई मार्कशीट बना रहे थे, मार्कशीट में कुछ स्टूडेंट के आप चाहते हो कि कुछ मार्क्स देखा जाए कि 400 किन के, या कुछ ऐसे मार्क्स जो टोटल जानने की
कितने लोगों ने ये मार्क्स पाया, कितने लोगों को मिला है ये मार्क्स। या फिलहाल हमें अभी जानना है कि अगर मान लो इसमें जो टोटल जोड़ा गया है वो 400 या 500, या एक और चीज़ जान सकते हो, जैसे आपके पास शॉप शॉप है, मेडिकल शॉप है, कोई और शॉप है, उनमें ये जान सकते हो कि कितने ऐसे आइटम हैं जिनका सेम प्राइस है। ओके, सेलेक्ट करोगे रेंज को और ओके कर दोगे, वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ ध्यान से बता रहे कि 40 दो जगह हैं, 50 करोगे तो वहाँ पे एक वो चीज़ दिख जाएगा। दोबारा हम जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट दैट कॉन्टेंट। देखो टेक्स्ट का अर्थ क्या होगा, नंबर के साथ अल्फ़ाबेट। सो इसको हम क्लिक करेंगे, हमें लिख दिया फर्स्ट नंबर, इसमें लिख दिया हमने सेकेंड नंबर। यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इजिकल टू करके लिख दिया हमने टूडे आज का डेट, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, वाई प्रेस करते हैं, ये डेट आ गया। अब देखो यहाँ पे डेट हमें दिख तो रहा है, ये टूडे आज का डेट है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कुछ और डेट देता हूँ, डेट प्रेस किया ब्रैकेट, आज का 18 तारीख है, कल का है 17 तारीख, तो हम 17 को ऐड करते हैं यहाँ पर, देखते हैं 18 इंटर, सॉरी यहाँ पर शॉर्ट नहीं दे सकते हैं, हमें पूरा पूरा देना पड़ेगा, हम लिखेंगे 2018 इंटर किया, सॉरी हमें कॉमा देना पड़ेगा, डैश नहीं है, ऊपर देख करके सेम सेम नहीं करना होता है, जो फॉर्मेट यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा वही फॉर्मेट हम ऐड करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। सॉरी यहाँ क्या मिस्टेक हो गया, इजिकल टू डेट पैकेट 2018, ओ सॉरी 2018 पहले ईयर मंथ फिर डेट 17, अब सही है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये डेट हमारे पास है, हम क्या करेंगे इसमें यूज़ करेंगे पूरा पूरा, मान लो इसको मैंने सेलेक्ट किया एरिया को, जितने एरिया में आपको फाइंड करना है, क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट टू कंटेंट, आपको टेक्स्ट फाइंड करनी है, टेक्स्ट का नंबर ही फाइंड कर सकते हो कि मान लो कहाँ कहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, जैसे एफ प्रेस करोगे देखो दिख जाएगा आर वाला, आर में कहाँ कहाँ है, कोई भी वर्ड अगर फाइंड करना चाहते हो, कोई वर्ड या पीस कहाँ लिखा हुआ है वो चीज़ एक साथ कंटिन्यू आपको दिख जाएगा, नंबर कहाँ कहाँ लिखा हुआ वो चीज़ दिख जाएगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़ अब लिखो थ्री, थ्री कहाँ कहाँ है वो चीज़ सिक्स दिख जाएगा, इसका काम होता है हाईलाइट करना। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन लिखा डेट अक्यूरिंग, आपके पास रिपोर्ट है आज का कल का जितने भी टाइम को देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट है येस्टरडे, तो येस्टरडे आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि आज का रिपोर्ट कहाँ है, टूडे करो, टूडे की ओके करो, अब देखो वो हाईलाइट है ऑलरेडी, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये दिख रहा है, एक बार फिर से देखो ध्यान से क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने यूज करना है येस्टरडे, ओके करो, होगा क्या आपको रेंज को पहले सेलेक्ट करना होगा, तो रेंज को जब तक सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करो टुडे, तो क्या टुडे दिखेगा, अगर येस्टरडे करते हो तो येस्टरडे दिख जाएगा, यहाँ पे और ऑप्शन है कि लास्ट 7 डेज में आपने कितना काम किया, वो कौन सा रिपोर्ट देख सकते हो, इस महीने का आखिरी वाला, लास्ट वाला, लास्ट मंथ वाला, नेक्स्ट मंथ वाला, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे हाईलाइट करके देख सकते हो। इसके बाद सेलेक्ट करो इस एरिया को और चले आओ यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, देखो जहाँ जहाँ भी रिपीटेड वैल्यू होंगी वो दिख जाएंगी, जैसे देखो यहाँ पर रिपीटेड पीसेस वैल्यू दिख रही होंगी, ठीक है, जहाँ जहाँ फॉर्मेट और देखना चाहते हो यूनिक वैल्यू कौन सा है जो अनरिपीटेड है, मतलब जो रिपीटेड नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये वैल्यू रिपीट नहीं है, यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ ये रिपीट नहीं है, 16 है, 15 है, यहाँ पर कुछ आपके पास नंबर दिख रहे होंगे, उनको इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे टॉप बॉटम रूल्स, को टॉप बॉटम रूल्स को समझना है ना, तो इसको इस तरीके से समझना, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो लिखा है टॉप 10 आइटम, इस टॉप 10 आइटम का यूज़ हम तब करते हैं जैसे मान लो आपके पास कोई किराना शॉप है, मेडिकल शॉप है, आपके पास एक रेंज में कौन सा मेडिसिन या कौन सा सामान सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो आप इसको एक बताते हो कि ये मेरा टॉप 10 आइटम है, इससे अच्छा खासा बिक्री होता है, सेल्स होता है,
तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करके भी रख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, टॉप 10 आइटम कौन सा आपके पास है, क्लिक करके यहाँ पे आपके एरिया में दिख रहा होगा। यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करो, इस एरिया को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करो और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स है, क्लिक करो, आपको ये दिख रहा होगा। और यहाँ पे टॉप 10 देखना चाहते हो, टॉप 5 देखना चाहते हो तो टॉप 5 देख सकते हो, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखता है। टॉप 3 देखना चाहते हो देखो, टॉप 3 दिखेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो ये 1200 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। टॉप 2 कौन है, टॉप 1 में कौन है, तो इस तरीके से हम ना अपनी रेंज को दिखा करके हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद देखो तो यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर टॉप 10% की बात हो रही है, तो परसेंटेज में निकाल करके जो आप लगाना चाहते हो वो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। सेम सेम टॉप 4, टॉप 3, सबसे हाईलाइटेड जो होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा होगा टॉप बॉटम, देखो छोटी से नीचे से सबसे छोटी संख्या है, तो आप देखना चाहते हो 1 प्रेस करो। यहाँ पे फिलहाल ब्लैंक रेंज है, नंबर 2 प्रेस किया तो यहाँ देख सकते हो जो डिजिट को ये पहचानता है तो सबसे छोटी जो डिजिट होगी वो उसको रीड कर लेगा। अब ओके कर दो, ये हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद क्लिक करो यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे सेम हम यूज़ कर लेंगे पूरा पूरा टॉप बॉटम रेंज। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, देखो ग्रेडियंट फिल करना चाहते हो कलर, तो आप कलर डिफरेंट दिखाना चाहते हो, जितना अमाउंट होगा ना अमाउंट के अकॉर्डिंग ये कलर भी फिट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका रेंज होगा जिसके हिसाब से, आप देख सकते हो यहाँ, देख सकते हो यहाँ पे इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग का कलर है। इसका अमाउंट देखो सेकेंड नंबर पे, इसका कलर भी वैसा ही है। थर्ड पे इसका कलर देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा पूरा एरिया चेंज होता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, जैसे लिख दिया मैंने 1000 और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 40 पीस, 40 पीस मैंने दिया, उसका मैंने रेट लगा दिया 1000 रुपये। अब देखना ध्यान से क्या होगा, क्या चेंज होता है। तो ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा वो ग्रेडियंट फिल में ऐड हो जाता है कलर के साथ। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी रिपोर्ट जल्दी से फाइंड कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे कलर स्केल की, तो मैं रिमूव करता हूँ पहले, कंट्रोल जेड में करता हूँ। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है ना क्लियर रूल्स, सो यहाँ पे क्लिक करो, ये रिमूव हो जाएगा। वापस से हम जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हो ग्रेडियंट फील्ड्स, इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये क्या कर रहा है देखो, जो एक समान है मतलब एक समान जो डेटा होता है ना, सिमिलर डेटा, तो उनको क्या करता है वो, देखो अलग सबसे हाईलाइटेड जो होगा सबसे ज़्यादा वैल्यू उसको हाईलाइट कर देगा, सबसे कम एक सीरीज में होगा उसको सेट कर देगा, ठीक है। तो ये कलर ऐसे ही सेट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आइकन सेट का। देखो आइकन सेट पिलर में इसको हम क्लियर रूल पे जाएंगे, यहाँ पे रूल को सेलेक्ट कर डिलीट कर देंगे, रिमूव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आइकन शेड, मान लो कोई रिपोर्ट बना रहे हो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट कैसा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ने इस एरिया को, ने अमाउंट वाले एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, आप कंडीशन में जाओ वापस, यहाँ पे आइकन दिख रहा है, देखो यहाँ पे इसको क्लिक करो। इससे फ़र्क क्या होगा, ये इस तरीके से बताता है कि जैसे आपका वो होता है ना OMR शीट, तो वो कितना सबसे ज़्यादा है, 100% है, तो 100% जो उसका जो कलर पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा जिसका कलर पॉइंट होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा, और जो सेकेंड में होगा सेकेंड के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर रेट बढ़ा देता हूँ फ्रॉक को, मान लो फ्रॉक है 1500 रुपये, ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, चेंज होगा अमाउंट जैसे चेंज होगा ना, तो इसका ब्लॉक भी चेंज हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये रिपोर्ट को डिफरेंट टाइप में फाइंड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके बाद यहाँ पे आइकन सेट करके हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे ढंग से। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट टेबल की। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट एज अ टेबल, सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे एरिया को जहाँ पे हमें डेटा का फॉर्मेट करना है। हमने क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, हमारे पास अलग अलग टाइप के कलर मिलेंगे, सो इसमें क्लिक किया हमने, यहाँ पे ओके करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मेट रेडी हो गया। इसको देखो यहाँ पे जब हम होम पेज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो डिज़ाइन ऑप्शन आता है, डिज़ाइन पे ऑप्शन होता है कि आप क्या चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको हिडन रो, देखो इसको हटा भी सकते हो और आपको ऐड भी कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे टोटल रो, तो आप ऐड कर लो, आप दिखाना चाहते हो कि आपके पास टोटल रो कितने 6 है।
इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर पाओगे। ये लिखा है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, या आप चाहते हो जो टोटल वाला कॉलम है वो हाईलाइट हो जाए तो इस तरीके से ये भी इसको हाईलाइट कर सकते हो। बैंडेड कॉलम की बात करें इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक साथ ये बैंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, यहाँ पे रिसाइज टेबल, टेबल नंबर वन, आप टेबल का नाम भी दे सकते हो, लिख दो यहाँ पे टेबल, लिख दिया आपने इनवॉइस, ठीक है। इस तरीके से ये टेबल का नाम यहाँ हो गया, आप इस तरह से पहचान भी सकते हो। और इसको मैंने सॉरी देखो ये मैंने प्राइवेट टेबल मैंने पिछले सेशन मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप परेशान मत ना, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे स्लाइसर भी लगा सकते हो बहुत ही खूबसूरती के साथ, यहाँ क्लिक करो, ओके करो, एक स्लाइसर बना सकते हैं आप देखना चाहते हो, डबल क्लिक करो तो वो वैल्यूज दिख जाती हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप में, यानी सबसे ज़्यादा कि सबसे हाई रेटेड वाली वैल्यू कौन सी दिखाओ, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको वो वैल्यू दिख जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से हम स्लाइसर भी इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ लिखा हुआ है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल को यूज हम तब करते हैं, मैं दिखाता हूँ, देखो इस एरिया को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप, क्योंकि ये जो डेटा होता है बाय डिफॉल्ट कॉलम रो तो दिख रहा है, लेकिन जब इसको हम प्रिंट करते हैं ना तो ये कॉलम रो रिमूव हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है, जैसे एमएस वर्ड का पेपर होता है ब्लैंक शीट, वैसे ही हो जाता है। तो हमें करना क्या होता है, सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनपुट कलर ले लेते हैं, इनपुट कलर लेने के बाद ही हम कोई और कलर लेंगे तो इससे क्या होगा, हमें पूरा प्रॉपरली सब कुछ मिलेगा ढंग से। अभी आप एक चीज़ में दिखाता हूँ, सेलेक्ट करो, अगर इनमें से कोई और कलर लेते हो तो देखो डायरेक्टली आपको ब्लैंक मिलेगा। ये देखो हेडिंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये अगर मैं इसको हेडिंग बनाना चाहूँ, यहाँ लिखा हुआ है कॉलम, सॉरी यहाँ पे हमारे पास डेटा था उसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे हेडिंग इसको हम बना सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप दिखेगा लुक। यहाँ पे कुछ कलर फिक्स होते हैं, जैसे कि कोई मार्कशीट बना रहे हो, कोई रिमार्क्स वाले, इसमें कुछ कुछ कलर फिक्स होते हैं, जैसे बैड का कलर, ठीक है, गुड का कलर, बाकी आप कोई भी कलर ऐड कर लो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज़ यहाँ पे नोट्स, नोट्स आपने देखा होगा फ़ोन में, हर एक फ़ोन में लगभग होता है या नहीं होता, तो हम डाउनलोड भी कर लेते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पे क्या होता है, कुछ इमरजेंसी में लिखना होता है ना, जैसे मैसेज लिखते हैं, मैसेज लिख के उसको सेंड करते हैं, लेकिन नोट्स से क्या होता है, नोट्स पर हम कुछ लिख करके शेप कर सकते हैं और उसको हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं, एक डायरी की तरह काम करता है। तो अगर मान लो यहाँ पर आप चाहते हो एक नोट्स बनाना, तो सेलेक्ट करके आप क्लिक करो और नोट्स पे क्लिक कर दो, लिखने की बात हो रही थी तो यहाँ पर आप इस इसको लिख सकते हो, कोई राइटिंग लिखना है तो ये पहचान होता है कलर का, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे सेल की बात करेंगे, यहाँ पे हमने स्टाइल की बात कर ली, यहाँ पे होगा सेल। देखो सेल को समझने का तरीका क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे हमने क्लिक किया इस ब्लॉक पर और देखो इंसर्ट का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे सेल की बात कम करेंगे, रो की बात करेंगे और कॉलम की बात करेंगे। एक और चीज़ मैं पहले बता दूँ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जो वर्टिकल लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं कॉलम, इनको बोलते हैं हम लोग रो, ठीक है। तो इसको आप परेशान ना होना, इसको बोलते हैं रो हॉरिजॉन्टल लाइन को, और ये जो पर्टिकुलर ये दिख रहा आपको ना, इसको बोलते हैं सेल, जो चारों ब्लॉक से चारों एरिया से क्रॉस पॉइंट होता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे सेल, देखो अगर मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ा सेल का, मैं इस पर क्लिक करके मैं इंसर्ट कर दूंगा तो सेल भी आ जाएगा। कहाँ चाहते हैं, डाउन में, लेफ्ट में, राइट में, अप पे, तो यहाँ पे राइट में चाहिए या डाउन में चाहिए, या यहाँ पे देखो सेल डाउन लिखा है, ओके करो, तो यहाँ पर आपको जो एक ब्लैंक बॉक्स मिल जाएगा, जो डेटा होगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करोगे। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं रो का इस्तेमाल, क्लिक करो, देखो जब ज़रूरत पड़े तो आप बहुत सारा रो भी इंसर्ट कर सकते हो, या एक और चीज़ है कि आप इसको सेलेक्ट करें इस एरिया को, देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ कैसे काम करना है। कभी भी आपको जब बहुत सारे रो चाहिए, कॉलम चाहिए ना, तो उसके लिए भी एक तरीका है, उसको क्या करना, देखो सेलेक्ट करो, मान लो आपको तीन रो चाहिए, चार रो चाहिए, सेलेक्ट करो, यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करके राइट बटन इंसर्ट करो, आपको रो चाहिए देखो रो मिल जाएगा तुरंत,
या देखो इसको एक बार फिर से देखो, ये सब मैजिकल ट्रिक में आता है, इसको सेलेक्ट करो, आपको इतना ही कॉलम सेम सेम चाहिए ना, इंटर राइट बटन क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक करो, देखो आ जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, बहुत से कॉलम हो, बहुत से रो हो गए, और रो चाहिए, आप इस रो को यहाँ से देखो सेलेक्ट करो, इतना सेलेक्ट किया, राइट बटन क्लिक करिएगा, यहीं पे इंसर्ट पे क्लिक करिएगा, देखिए आपके पास बहुत सारा मिल जाएगा रो। इस तरीके से हम रो बना सकते हैं। और भी इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें, दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट कॉलम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे अब जब जरूरत पड़े, कुछ लिखना हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आपने कैंडिडेट के बाद लिख दिया यहाँ पर फादर्स नेम का, फादर्स नेम, तो इस तरीके से ना आप अपना काम कर लीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करो, सेल को डिलीट कर सकते हो, रो को, अब देखो मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिक कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेट, देखो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं आज होम मेनू का पूरा पूरा ऑप्शन में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हम काम भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, काम कैसे किया जाता है। फिलहाल हम ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ऑप्शन का हम यूज़ कर पाते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट का, तो फॉर्मेट को यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसका यहाँ पे क्लिक करो, देखो यहाँ पर रो हाइट है, वीट है, मान लो कोई आपको पजल टाइप का गेम बनाना हो या कुछ ऐसा कुछ भी सेलेक्ट करो, या कुछ डेटा एंट्री करना हो, तो आपको पता है कि इसका कॉलम का रेंज कितना होगा, सेलेक्ट करो। रो की जो हाइट होती है ना बाय डिफॉल्ट होती है 15, तो इसको आप ना हाइट की बात कर लो, देखो ऐसे बढ़ा भी सकते हो, आप 25 करो, ओके करो, इसका ब्लॉक आपको ऐसा मिल जाएगा उतना बड़ा बड़ा, इसको सेलेक्ट करो, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कलर के साथ, आपको ये ब्लॉक दिख रहा होगा। जैसे कैलकुलेटर वगैरह बना रहे हो तो इनका इस्तेमाल कर सकते हो मैक्रो के थ्रू। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है कॉलम वीड, देखो जो कॉलम वीड होता है इसको 8.43 होता है, इस चीज़ को ना आप इसका साइज बढ़ा बनाना चाहते हो तो आप लिख दो, ऐसे लिख दिया 12, इंटर करो, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वो आप यहाँ से कर सकते हो। और बड़ा करना चाहते हो तो 20 कर लो, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। डेटा हम लिखते हैं यहाँ पे, लिखा सीरियल नंबर, क्लास ए, क्लास बी। अब यहाँ पे जरूरत पड़ा कि नहीं, इसका जो साइज है ना बहुत ही ज़्यादा ले लिया गया, उसे क्लिक करके ऑटो फिट भी कर सकते हैं, लिखा ऑटो फिट, देखो यहाँ पे ऑटो फिट क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर लेगा। एक और चीज़ यहाँ पे इस नीचे क्लिक करो, ऑटो फिट वीड क्लिक करना, तो वो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर देगा, आपका जो स्पेस होगा वो सेफ रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ लिखा है हाइडन अनहाइड, जो हमारे पास कॉलम होते हैं, रो होते हैं, उनको भी हम हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर दिखा देता हूँ कैसे शो करते हैं, हाइड करते हैं, यहाँ मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ समझने के लिए, अब देखो मान लो ये आपको ये वाला कॉलम आपको हाइड कर, ये रो हाइड करना है, ठीक, क्लिक करो, यहाँ पे हाइड पे क्लिक किया, ये लिखा है हाइड रो, देखो एक ऑप्शन होगा शॉर्टकट ये होता है Ctrl+9 बटन, F9 बटन प्रेस करना, यहाँ पे 9 प्रेस करना ओनली, क्लिक करो हाइड रो, देखो अब ये क्या हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो 87 88 88 के बाद बाकी सब नंबर गायब है। अब इसके बाद चाहते हो कि ये जो कॉलम है ना कॉलम भी हाइड हो जाए, क्लिक करो, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आप क्लिक कर दो हाइड कॉलम, Ctrl+0 करोगे तो ये जो कॉलम है वो रिमूव हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे रिमूव हो गया, यहाँ पे पढ़ सकते हो ABCD और EFF यहाँ से हाइड हो चुका, वो आप देख नहीं सकते यहाँ से। इसके साथ ही ये जो आपका Sheet 2 है, Sheet 2 को भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो, ये सब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड शीट। अब देखो ध्यान से, अब जब शीट पे क्लिक करोगे तो आपको Sheet 3 मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो 1 3 2 आ गया।
अब आपको जरूरत पड़ा कि नहीं वो मुझे सीट चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप वापस जाओ फॉर्मेट पर, क्लिक करो हाइड एंड अनहाइड पर, और यहाँ पर लिखा है अनहाइड सीट, पहले आप क्लिक करो अनहाइड सीट पे। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है जितने भी आप हाइड किए रहेंगे अनहाइड किए रहेंगे यहाँ पर इसका लोकेशन दिखता रहेगा, ओके करो तो पहले आपका सीट आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो लेकिन आपका एरिया नहीं आएगा, इसको सेलेक्ट कर लो पूरा पूरा मैटर को। अब आपको वापस चाहिए आपका डेटा, सो इस पर क्लिक करना आप अनहाइड रो। तो पहले आपके पास देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अनहाइड कॉलम, तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास डेटा आ चुका। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे और चीज़ जैसे रीनेम सीट करना। रीनेम सीट, सीट का क्या अर्थ क्या होता है, देखो एक्सेल का जो फाइल होता है ना उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। तो बहुत सारे शीट मिल करके एक वर्कबुक का निर्माण करते हैं, एक या एक से अधिक। तो एक्सेल का जो पेज होता है ना, पेज को बोलते हैं हम शीट, शीट पे वर्क करना, कहते हैं ना स्प्रेड शीट पे वर्क किया आपने, वो चीज़ होता है। तो यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो ये डेमो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशन, जो भी आपका पर्पज होगा, जैसे सैलरी चार्ट होगा सैलरी चार्ट लिख दो, अटेंडेंस होगा वो आप लिख सकते हो। एक और तरीका कि इस पे आप राइट बटन क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा रीनेम, तो ऐसे भी रीनेम कर सकते हो। इसके साथ ही हम इसको कलर भी कर सकते हैं, इस टैब को, इसको बोलते हैं हम लोग टैब। यहाँ पे टैब क्लिक किया, देखो यहाँ पे कलर करना चाहते हो, रेड करना चाहो, ब्लू करना चाहो, जो भी कलर करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ दिखा दो, देखो ये दिख रहा है। अब ये सीट फोर है, सीट फोर को अगर कलर करना चाहो तो सीट फोर को भी आप कलर कर सकते हैं, यहाँ देखो अलग से। इस तरीके से आप किसी को बता सकते हो कि ये सीट फोर ओपन कलर नाम जो रेड वाला है। तरीके होते हैं बताने के। इसके साथ ही हम ये समझेंगे यहाँ पर लिखा है मूव एंड कॉपी, जो हमारे पास डेमो प्रैक्टिस का सेशन का शीट है और इसका कॉपी बनाना है, क्लिक करेंगे और जो सीट बनाना है उसको हम क्लिक करके ओके करेंगे। देखो इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे बन जाएगा, एक मिनट वापस क्लिक करेंगे, हमने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ कॉपी, क्लिक करेंगे हम, देखो यहाँ पे बन चुका। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट है, ये हमारा डुप्लीकेट है, इन दोनों को हम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वाला मैटर हम यहाँ पे समझेंगे रिव्यू, इसको नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे। यहाँ पे ये सेल, ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया फॉर्मेट का। इसके बाद हम समझेंगे एडिटिंग के बारे में। देखो एडिटिंग जो होता है ना, एडिटिंग में हम क्या करेंगे, एडिटिंग में नॉर्मली एम एस वर्ड में हम क्या करते थे कि सेलेक्ट ऑल करते थे, फाइंड है रिप्लेस है वो यूज़ करते थे, लेकिन इसमें हम क्या करना है मुझे को समझो। मान लो मैं यहाँ पे एक डेटा बनाता हूँ, वन एक फॉर्मेट मैंने बना लिया, फिल सीरीज, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर एक और चीज़ बना लो, वन वन टू, कंट्रोल बटन और लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इसको ड्रैग कर सकते हो। देखो इसको आप सेलेक्ट करो, अब यूज करते हैं यहाँ पर सम ऑप्शन का, सेलेक्ट करना, आपको सम मतलब होता है यहाँ पर एक्सेल में जोड़ना, तो इसमें क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर जोड़ के बता देगा कि 28 आएगा, यानी 1 2 3 3 6 एंड 4, ये पूरा कंट्रोल कैलकुलेट करके 28 बता देगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं फिलहाल। देखो इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होता है फील, फील का अर्थ ये होता है कि जो डेटा होता है डेटा को लेफ्ट राइट को मूव कराना, जंप कराना। तो देखो ये ऑप्शन लिखा राइट,
राइट पे क्लिक करो, जो राइट की वैल्यू जो होगी ना वो रिप्लेस कर देगी। और यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है, 5 में क्या होगा, मान लो यहाँ मैंने क्लिक किया और ये फील दिख रहा है। अब करना है तो डेटा क्या होगा, देखो नीचे लिखा है 7, ऊपर लिखा है 5, यहाँ पर दिख रहा है नीचे 7 ऊपर 5। तो अब पे क्लिक करोगे जैसे ना, तो वो जो नीचे वाला डेटा होगा वो अप पे आ जाएगा। इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे एरिया को, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है सीरीज, सीरीज पे क्लिक करेंगे ना एक ऑप्शन मिलेगा हमें। यहाँ पे कॉलम की बात हो रही है और स्टेप की वैल्यू की बात हो रही है, आप कितना इसमें ग्रो करना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, जो दो से करना चाहते हो ना, एक काम कर लो रो, आपने क्लिक किया ग्रो, ओके करो। हम क्लिक करेंगे वापस सीरीज, कोई क्या एक मिनट, चलो देख लो इसको कैसे कहते हैं हम यूज। सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है फील, फील पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है सीरीज, सीरीज पे क्लिक किया। अब जो स्टेप वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो ना वो ऐड कर लो। जैसे मान लो इसमें मुझे सब में दो दो जोड़ना है, दो दो, तो क्या क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करेंगे ना तो सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहला 1 रहेगा, बाकी इसमें 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक बार फिर से देखो इसको सेलेक्ट किया, इसे बता रहा है कि जिसमें हमें पूरा में सब में वैल्यू को ऐड करना है ना, तो हम यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो सब में मुझे 5 5 ऐड करना है, तो 5 पे क्लिक किया, ओके करो, तो सब में जो वैल्यू है ना 5 5 वैल्यू ऐड हो जाएंगे। होता है कि जब बल्क डेटा होता है, बल्क डेटा में मुझे एक एक बढ़ाना है, कहते ना एक एक मार्क्स सबका बढ़ा दो, मार्क्स है मार्कशीट बना लो, या कुछ ऐसा ट्रेंड है कि सब में कुछ इंक्रीज कर दो वैल्यू, सैलरी बढ़ा दो। तो सैलरी बढ़ाने का तरीका क्या हुआ कि आप पूरा एरिया को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके आप सब में इतना इतना बढ़ा सकते हो जितना रिक्वायरमेंट होगा। इसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, हमने क्लिक किया, देखो यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ नीचे आ जाते थोड़ा, अब हम बात करेंगे क्लियर ऑल ऑप्शन का। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियर ऑल का मतलब हो जाता है कि पूरा पूरा एरिया क्लिक हो जाना, डिलीट हो जाना। दोबारा क्लिक करो, क्लियर फॉर्मेट यानी जो आपने कलर किया है वो डिलीट होगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ लिखा है क्लियर कंटेंट, जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद कमेंट कोई आपने लगाया है तो कमेंट में बताऊंगा, रिव्यू बटन पे यहाँ पर रिव्यू आएगा, उसको मैं डिस्कस करूँगा। कोई हाइपरलिंक आपने ऐड किया है इंसर्ट में, मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में, उसको आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग की, जो सॉर्टिंग फिल्टरिंग जो होगा वो डेटा मेनू में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो उस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस, जो आपने यूज़ किया होगा, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, कंट्रोल एच से रिप्लेस, जैसे करो कंट्रोल एफ। अगर मान लो मुझे फाइंड करना है 16 कहाँ लिखा हुआ है, तो आप फाइंड नेक्स्ट करो, जहाँ जहाँ होगा ना दिख जाएगा, ठीक है। और रिप्लेस की बात हो रही है तो कंट्रोल एच प्रेस करना, 16 की जगह कुछ और चाहते हो डेटा, 16 ही चाहते हो 1000 हो जाए या 10000 हो जाए, फाइंड रिप्लेस करो, इसको रिप्लेस ऑल कर दो, जहाँ जहाँ होगा ना चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो ये देखो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, सो आप इस वीडियो को पूरा देखना, इससे क्या होगा कि आप एक्सेल पे कुछ सीख सकते हो नए तरीके से, या घर बैठे हो आप तो घर बैठे भी इसको सीख सकते हो, अगर कोचिंग संस्थान पे आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो ये आपको हेल्प करेगा। मैं आगे का अभी वीडियो अब डिस्कस करूँगा इंसर्ट मेनू, इसके बाद ये पेज लेआउट, फिर फार्मूला, डेटा और रिव्यू और व्यू, मैं आगे डिस्कस करूँगा। आप इस चैनल को आप अधिक से शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।